स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यक्ष युधिष्ठिर संवाद का बैकग्राउंड समझाया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से चारों पांडव यक्ष के तसरवर तक जाते हैं और बिना उसके परमिशन के, बिना उसके इजाज़त के जो उसका जल को ग्रहण करते हैं, वहाँ पर मर जाते हैं। अब जब युधिष्ठिर वहाँ पर पहुँचते हैं तब यक्ष प्रश्न पूछता, यक्ष कहता है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर मेरी जल को ग्रहण करोगे तो तुम भी इन लोगों की तरह से मर जाओ। तब युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके बोलता है कि आप अपने प्रश्न पूछिए और मैं प्रयास करूँगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। पहला प्रश्न यक्ष जो है, यक्ष मतलब क्या होता है? यक्ष एक प्रकार का राक्षस होता है। भूत प्रेत पिशाच में जो एक श्रेणी होती है उसे यक्ष कहा जाता है। किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचते, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत। ध्यान से सुनिएगा। किम नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य हित्वा मतलब त्याग कर, छोड़कर, मित्र किस चीज को छोड़ करके सभी का प्रिय बन जाता है। किम नु हित्वा न शोचते, शोचते मतलब शोक करता, किस चीज का त्याग करने के बाद मनुष्य शोक दुख प्रकट नहीं करता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, लंबा वर्ड है, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, हित्वा प्लस अर्थपान प्लस भवति, तीन वर्ड निकलेगा इसमें, आप देख लीजिए सर। ये किम नु हित्वा अर्थवान भवति, ये क्या हो जाएगा, किम नु हित्वा प्लस अर्थवान प्लस भवति। इसका होगा किम नु, किम नु हित्वा दिया हुआ, किम नु हित्वा, किम नु हित्वा प्लस अर्थवान प्लस भवति, मनुष्य किस चीज का त्याग करके अर्थवान यानी धनवान बन जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवे, और किम नु किस चीज को छोड़ करके त्याग करने के बाद वह सुखी हो जाता है। ये प्रश्न यज्ञ के, युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, मानन हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य जब अपने अहंकार को छोड़ देता है, घमंड को छोड़ देता है, तब वो सभी का प्रिय बन जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचते, अगर मनुष्य अपने क्रोध का त्याग कर देता है, बात बात पर नाक पर गुस्सा चढ़ा रहना, तो क्रोध का अगर त्याग कर देता है तो उस त्याग को करके वह कभी दुखी नहीं रहता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, बहुत तरह के कामनाओं को, लोभ लालच को छोड़ करके त्याग की भावना को जब अपनाता है तब जो है वो अर्थवान अर्थात अमीर बन जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवे, और जब मनुष्य लोभ का त्याग कर देता है तब वो सुखी हो जाता है। फिर से सुन लीजिए बच्चों। मानव हित्वा प्रिय भवति, अभिमान को छोड़ देता है, अहंकार का त्याग करने से वो सभी का प्रिय बन जाता है। आप लोग भी देखो, कोई घमंडी इंसान आपको पसंद नहीं आता, जिसमें भी थोड़ा सा प्राउडनेस होता है, आरोग्यन होता है, जो हम लोग लाइक नहीं करते। तो मानव हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचते, क्रोध का त्याग करके वो शोक नहीं करता, विचार नहीं करता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामनाओं का त्याग करके अर्थवान यानी धनवान बन जाता। लोभम हित्वा सुखी भवे, और जो लोभ का त्याग कर देता वो सुखी हो जाता। संतोष एक परम धनम, संतोष जिसको हो गया उसको बहुत बड़ा सुख मिलता है। अगर संतोष नहीं है तो पूरी दुनिया की दौलत भी उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, इसलिए संतोष को सबसे बड़ा धन शास्त्रों में बताया गया। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है यक्ष युधिष्ठिर संवाद श्लोक 1 और 2, प्रश्न और उत्तर, ये दोनों आप लोग याद कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।